हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम देख लो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आज कहाँ स्टेशन से, और सब लोग जा रहे हैं कहाँ मैयर। तो जल्दी से ट्रेन पकड़ते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। ट्रेन में बैठे फिर उसके बाद बाकी की बातें करते हैं आप लोगों से चल के, जब तक धीरे धीरे चलते हैं और पहुँचते हैं ट्रेन पे। थैंक यू। बहुत आशीर्वाद ले लिया आपने। लोग आ गए कहाँ पता, कटनी पहुंच गए। तो बैठे हुए हैं बस, ऐसे ही चल रहा है और फोन ने हाथ में थोड़ा सा ऐसा ट्रेन के बाहर निकाला है, ऐसा ना हो कि कल्टी हो जाए अपना मोबाइल। तो समझते हैं यहाँ पे खा रहे हैं समोसा और हम जा रहे हैं कहाँ, मैयर। अब पहुँचते हैं मैयर और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, है ना कपिल। जय माता दी, जय माता दी, लेट्स रॉक। सो गाइस, अब हम आ गए हैं कहाँ पे, मैयर स्टेशन में। सब लोग, चाचा भी हैं, कपिल भी है, समर्थ भी, कबीर सिंह, छोटा कबीर सिंह बने। तभी मैयर चश्मा देना, चश्मा लगा के फोटो दिखा ये। तो मैयर स्टेशन चलते हैं कहाँ, ऑटो करते हैं और ऑटो करके चलते हैं कहाँ, सीधे मंदिर के लिए। हाँ हाँ, मंदिर जाना है। चार लोग, 20 रुपये सवारी, दुकान है। तो चलते हैं बाहर और उसके बाद यहाँ पे स्टेशन देख लो, ऐसा है कुछ। कितनी दूर है भैया मंदिर? 5 किलोमीटर की दूरी पे है। 20-20 रुपए सवारी लगता है। स्टेशन के बाहर आइए, ऑटो वाले आपको मिलते जाएंगे, 20-20 रुपए सवारी दीजिए और सीधे आपको लेके जाएंगे मंदिर, और बाकी चीज़ें आपको आगे चलते हुए बताने। तो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पे क्या है, ऑटो भी चलते हैं और साथ में टांगे भी चलते हैं। अभी टांगा भी आपको दिखाया। तो 5 किलोमीटर जाना है और उसके बाद वहाँ पे क्या प्रसाद की दुकानें हैं, तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। वहाँ आप अपने सामान जो भी लगेज है उसको रख दीजिए और उसका प्रसाद लीजिए। वैसे यहाँ पर बाकी चीज़ें आगे चल के बताता हूँ, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। तो गाइस, हम आ गए हैं कहाँ, मंदिर में। और अभी जैसा आप लोगों को क्लिप में दिखाया कि अपन ने क्या प्रसाद ले लिया। एक्चुअली क्या रहता है, जहाँ से आप ऑटो बुक करते हैं ना स्टेशन से, तो ऑटो वाले आपको यहाँ पे ही लेके आते हैं जहाँ पे उनके प्रसाद वालों की दुकान रहती है। तो वहाँ पे आप प्रसाद ले लो और उसके बाद हमको जाना है कैसे, ऐसे सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, बट हमको सीढ़ी से नहीं जाना है, हम जाएँगे रोपवे से। फर्स्ट टाइम, पहले इसके पहले जब मैं आया हूँ तो सीढ़ियों से गया हूँ, इस बार जाएँगे रोपवे से। सर समर, कैसा लग रहा है? चश्मा लगा दे रहा, चश्मा तो लगा कबीर सिंह ये। समर्थ ने खुद भी चश्मा लगाया, चाचा को भी चश्मा पहना दिया और कपिल को भी चश्मा पहना दिया। 3 चश्मे लेके आया था, हम दोनों के लिए भी 2 लाया था समर्थ। हाँ, अपने मन से ले आया था, बहुत समझदार प्राणी है ये। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और ये माता रानी के दर्शन करने के बाद ये कुछ अपना पेट पूजा करेगा। बस बोले अभी सिर्फ 2 समोसे हैं पेट में, आप देख सकते हो पेट की हालत। जब अपन आ गए हैं किसके, रोपवे की लाइन में। अब यहाँ से लेना है अपन को क्या, टिकट। और टिकट लेने के बाद सीधे चाचा लोग पीछे वेट कर रहे हैं टिकट लेते, और उसके बाद यहाँ से जिसमें जाना है रोपवे में, उसकी भी लाइन बहुत लंबी है। ये टिकट लेने वाली लाइन तो छोटी, तो अब जल्दी से टिकट लेते और जाके लगते हैं वो वाली लाइन में। फिर अपन फिर से बीच में से 2 बजे आ गए। हम लोगों को अभी यहाँ पे खड़े खड़े कितना, 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक लिफ्ट हुए हैं। और 11 बजे से हम लाइन में लगे थे, इतना हमको जब आ जाइएगा, इतना हमको जबलपुर से यहाँ आने में नहीं लगा टाइम, जितना हमको यहाँ से अभी रोपवे तक जाने में। और हमको ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए और अभी वैसे ही वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। फिर आगे जब रोपवे पे पहुँच जाएंगे तब आप लोगों से मिलते हैं।
फाइनली इतनी देर की मेहनत के बाद हम आ चुके हैं कहाँ पे, अंदर वापस फिर से। और मतलब क्या बोलना चाहिए, 5 घंटे की मेहनत के बाद, तो 6 घंटे की, 6 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पे आ गए हैं। और अब चलते हैं, अब जर्नी अपनी स्टार्ट होने वाली है धीरे धीरे, तो ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा एक देखेंगे ऊपर का नज़ारा, और उसके बाद सीधे मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर में अंदर शूट करने नहीं मिलता है, तो अंदर कुछ भी दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ऊपर से यहाँ से जाते टाइम बस थोड़ा सा आपको दिखाते हैं नज़ारे, और उसके बाद ऊपर पहुँच के बात करेंगे, या फिर मंदिर में दर्शन हो गए जल्दी से तो नीचे उतरते टाइम बात करेंगे। समाज कैसा लग रहा है? ओ भाई साहब देखो, बताओ फिर क्या बताएं गाइस, बहुत मस्त, बहुत बहुत जोरों का लगा है हम लोग को। क्या जोरों का लगा है? 5 आवर्स रुकने के बाद अभी हम लोग दर्शन करेंगे 5 आवर्स रुकने के बाद। यस गाइस, बहुत जबरदस्त इंग्लिश, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत थक गए हैं। ओ भाई, और चल रहे हैं, माता रानी शक्ति देंगी, पहुँच जाएंगे ऊपर। तो गाइस हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, और क्या धीरे धीरे ना चल रही है, स्पीड बढ़ गई है। लेकिन एक्चुअली क्या है, बाहर का शूट इस कारण भी नहीं कर पा रहे ना, इसमें क्या है, सब में जालियाँ लगी हुई हैं। पर तभी इन लोगों से बोला है थोड़ा बहुत शूट वूट करो, तो थोड़ा बहुत कुछ तो मिलेगा व्यू अपन को शूट करने के लिए, और उसी को ही अपन डाल देंगे। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं ऊपर, और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ऊपर आ गए और चलते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है, थोड़ा सा डांस देखा जाए, और उसके बाद फिर अपन करते हैं क्या, वहाँ पे अंदर चलते हैं मंदिर का, और हम दर्शन करते हैं। कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं हो, बहुत जल्दी जल्दी चलते जा रही, क्योंकि अंदर ना ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता, जल्दी से आप दर्शन करिए और निकलिए बाहर। तो एक बार दर्शन कर ले हम, उसके बाद फिर एक बार मंदिर का कंपाउंड घूमते हैं थोड़ा सा, और वो देखते हैं, वो अगर दिख रहा होगा तो जूम करके वो आला उदल का अखाड़ा भी आपको दिखाएंगे, और बाकी बातें भी करते हैं उसके बाद। और जब तक यहाँ पे लाइन देखिए, और उसके बाद अंदर हम दर्शन कर लें। दर्शन हमारे हो गए, जितना हमको टाइम नीचे लगा यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा, और हमारे सारे दर्शन हो गए। ज़्यादा यस गाइस,
हाँ, ये नीचे जाने के लिए अब रोपवे का फिर से लाइन लगी है जिसमें हमको नीचे जाने मिलेगा। 5 घंटे के बाद हमको दर्शन 5 मिनट में। यहाँ पे क्या है ना, ये है शारदा माता का मंदिर, और ये जो पहाड़ है ना इसको बोला जाता है कौन सा, चित्रकूट पहाड़। चित्रकूट पहाड़ बोला है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसको, चित्रकूट पहाड़ बोला जाता है। और यहाँ पे ना बोला जाता है ऐसे कि शाम को 8 बजे के बाद ना मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है और कोई भी नहीं रहता, और सारी साफ सफाई सब कुछ करवाने के बाद जब सवेरे ये फिर से खोलते हैं मंदिर तो पता चलता है यहाँ पे कि वो आरती हो चुकी, वहाँ पे आरती हो जाती है और आरती सारी दिखती है। मतलब पहले जब कोई नहीं रहता उस मंदिर में तो बताया जाता है यहाँ पे आला उदल थे, वो माता के फूल चढ़े हुए मिलते हैं, और ये आला उदल हैं जो वो माता के सबसे बड़े भक्त थे, तो उनका वरदान है उनको, तो वो हमेशा पहली आरती वही करते हैं। और उनका अखाड़ा भी पीछे है, लेकिन वो इतनी दूर है कि वो दिख भी नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अखाड़ा कहाँ पे। बट इस मंदिर में ऐसे ही रहता है कि पहली आरती वही लोग आके करते हैं, और उस टाइम पे मंदिर में 8 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता, पूरा साफ सफाई करवा के और माता के पट को बंद करके चले जाते हैं पंडित लोग। लेकिन जब सुबह मंदिर खोलते हैं फिर से तो वहाँ फूल चढ़ा और आरती हुई ऐसा बोला जाता है कि मिलता, और सेम ऐसी ही चीज़ मुझे गूगल पे भी मिली थी, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग गूगल भी कर सकते हो। तो सबको मज़ा आया ना? यस, मज़ा आया। यस, और दर्शन भी हो गए। यस, अब लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो अब नीचे जाएंगे खाना खाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन तो छूट चुकी है जिसके हम बुकिंग करा के आए थे। अब 8 बजे हमारी ट्रेन है, तो चलते हैं नीचे जल्दी से, खाना खाते हैं और उसके बाद स्टेशन में मिलते हैं आप लोग। जय हो माता रानी की। वो देखो ऊपर का, ऊपर का वो शूट करो मैन जो है। मामा असली व्यू तो यहाँ है यार। जल्दी नीचे उतारती है। सो गाइज फाइनली हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा और हम लोगों के हो गए दर्शन बहुत अच्छे से। मतलब ये था जितनी मेहनत हमको, मतलब कष्ट जितना नीचे, अब क्या वो कष्ट क्या बोले जो भी बोले, जितना नीचे लगा, बट यहाँ पे हमने इतने जल्दी दर्शन कर लिए, 5 से 10 मिनट के अंदर दर्शन हो गए, वापस हम आ गए रोप वे पे और अब जा रहे हैं नीचे। और बहुत तेज़ लगी हुई है भूख, जैसे बोलते हैं ना सुबह से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ लाइन पे लगे रहे, और 6 घंटे 7 घंटे की कठिन तपस्या के बाद माता रानी के दर्शन हो गए। तो अब चल रहे हैं नीचे, और ये बढ़िया व्यू थोड़ा सा नीचे का ऐसा दिख रहा है, मतलब ये, और ये हमारी चल रही है नीचे नीचे पूरा, मतलब तो बस अब जल्दी से नीचे पहुंचते हैं गाइस, और उसके बाद इन लोग भी सब थक गए हैं, है ना? Yes, guys. और सबको मजा आया? बहुत मजा आया। प्लान मैंने किया था ना, तभी इतना तपस्या करनी पड़ी बोले हमको। और ये है मंदिर गाइस, आखिरी बार बोलो शारदा माता की जय। सो गाइस अब हम आ गए हैं कहां, वापस मैयर स्टेशन पे, और यहां से हमारी ट्रेन अभी तो जा रहे हैं हम कहां, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे ही था आज का हमारा व्लॉग, अब इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। एंड आई होप कि आप लोगों के व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।